ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 7,000 में से 2 मजदूर तो अपने हक के पैसे के इंतजार में मर चुके हैं। सरकार की भी ये कठिनाई होती है, इसलिए हमने इसे उदाहरण मानकर तय किया कि अगर उद्योग बीमार हो गया तो सरकार उसकी मदद करेगी। हुकुमचंद मिल का केस कोर्ट से वापस लिया और मजदूरों को 200 करोड़ का भुगतान का फैसला लिया। ग्वालियर की जैसी मिल भी जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं, तो जल्द ही जैसी मिल के इस पूरे मामले के विवाद को सरकार निपटाएगी। इससे पहले सरकार ने हुकुमचंद मिल इंदौर के इस पूरे मामले में निपटारा किया और अब जेसी मिल के मजदूरों का भुगतान मोहन यादव सरकार करने जा रही है। मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है, तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे। हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के ही नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए, वो 5,000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है, मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया, आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में ये कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, भाई हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है, और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी, उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं।